प्याफ फाउंडर अलायंस इस साल भी मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेट्रोन इन चीफ प्याफ मियां सोहेल निसार, चेयरमैन प्याफ सेनेटर जफर इकबाल चौधरी और चेयरमैन फाउंडर्स मियां मिसबाउर रहमान और साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स श्री शहजाद अली मलिक का ऐलान। मियां मिसबाउर रहमान चेयरमैन फाउंडर्स ने कहा कि फाउंडर्स का प्याफ मियां शफकत अली से अलायंस हुआ था जो आज तक बरकरार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्याफ फाउंडर्स अलायंस के कायदीन का कहना था कि देखते हैं कि नेक्स्ट फाउंडर्स क्या कदम उठाती है, आया वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ जाते हैं या वो प्याफ जिस जैसा कि उनका अलायंस प्याफ के साथ पिछले 24 साल से चल रहा है उसी को बरकरार रखते हैं। तो आज हम उसी सिलसिले में दोबारा इकट्ठे हुए हैं और आज आप दोस्तों को सिर्फ ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जिस तरह आज से पहले प्याफ फाउंडर अलायंस पिछले 24 साल कामयाबी के साथ चलता रहा और उसने ना सिर्फ चैंबर में बल्कि बिजनेस कम्युनिटी की बेपनाह खिदमत की, तो आज भी वो अलायंस कायम दायम है। अभी कुछ दोस्तों ने इस हाउस का नाम लिया है तो इस हाउस का नाम ये ठीक नहीं ले रहे। इस हाउस का नाम प्याफ हाउस नहीं है, 4 बजे के बाद इसका नाम प्याफ फाउंडर हाउस है। ये जी इतिहाद हमारा माशाल्लाह 24 साल से चल रहा है। हमने लाहौर शहर को पिछले 24 साल में 21 प्रेसिडेंट, 21 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 21 वाइस प्रेसिडेंट दिए हैं जिन्होंने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की है। ज़्यादा मीडिया जानता है कि लाहौर चैम्बर ने क्या किया, जब जल्दा आया उसमें क्या किया, जब फ्लड आया उसमें क्या किया और बाकी जो हमारी खिदमात हैं शालीमार हॉस्पिटल और लवाड वो भी आपके सामने हैं। कुछ महीनों से कोई एक आधे ग्रुप में कुछ दोस्त आगे पीछे हुए जिससे कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही थी कि हम किसके साथ हैं। हमने बहुत सोचो विचार के बाद ये देखा तो यही पता चला कि हमारा एग्रीमेंट जो है वो जब 22 साल पहले हुआ था मियां शफकत साहब के साथ जो उस वक्त चेयरमैन थे प्याफ के और माशाल्लाह वही चल रहा था, तो वी डिसाइडेड कि हमारा क्योंकि इन्हीं के साथ है और मेजॉरिटी प्रेजिडेंट भी इनके साथ हैं तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ चलेंगे। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें आज कवर कर रहे हैं और उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, मियाँ शफकत साहब, शहजाद मलिक साहब, फारूक इफ्तखार साहब और मेरा छोटा भाई तारिक, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कीमती वक्त निकाल के आज स्पेशली यहाँ पे आप फाउंडर हाउस में इकट्ठे हुए। ये सिलसिला माशाल्लाह अरसा दराज से चल रहा है, अरसा 24 साल 22 साल या 24 साल से, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहे और मेरी ख्वाहिश होगी कि इनमें हम यंग जनरेशन जो है वो भी हमारे साथ आए और हमारे साथी बने और उनकी जो अवेयरनेस है वो शायद हमसे आज वैसी ना हो जैसे उनकी है। और इसके बाद मैं सब अपनी प्याफ टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे मिलकर आज बैठे हैं और मिलजुल के आपके चैम्बर को एक मिसाली चैम्बर बनाएंगे। आखिर में निजाम टीवी के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से गुफ्तगू करते हुए मियां सोहेल निसार पेट्रोन इन चीफ प्याफ दीकर का क्या कहना था आपको सुनाते हैं। ये फाउंडर और प्याफ के अलायंस के बारे में आपने पूछा है तो ये बस एक कन्फ्यूजन मार्केट में कुछ लोगों ने फैलाई हुई है। हमारा अलायंस 24 साल से है और आज तक कायम दायम है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज अपना मीडिया बुलाया और अपने फाउंडर दोस्तों को बुलाया कि आप फाउंडर प्याफ हाउस में आएँ और मिल के जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसकी वजह से ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिएगा आपको और भी सरप्राइजेज आने हैं, सरप्राइजेज आएंगे इंशाल्लाह। देखें जी हम चाहते हैं कि हम एक टीम बन के चलें, सारे एक साथी एक ही हाथ के साथ चलें। मैं यही कहता हूं हम सारे इकट्ठे हों, हम सब एक आवाज़ होंगे तो हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी और ऐवानों तक भी जाएंगी और इस आवाज़ के साथ हम अपने सारे मसले मसाइल भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम भाई हैं मेरे, मेरा उनके साथ और इस तरह का कोई इशूज़ नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं तो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। देखिए बात यह कि हमारा किसी एक शख्स के साथ अलायंस नहीं है, एक लाहौर चैम्बर में दो बिज़नेस ग्रुप्स हैं और उसमें
इत्तेहाद हमारा जो अलाइंस हुआ था आज से 22-23 साल पहले, वो फाउंडर्स का अलाइंस था प्याफ के साथ। तो आज बेसिकली हम जो हमारा अलाइंस है उसी के साथ हमारा प्याफ और फाउंडर्स का जो है शख्सियत जौन सी है वो वजूद जौन सा एक आदमी का, उसके साथ तो अलाइंस नहीं होता, तंजीम के साथ होता है। तो क्योंकि ये तंजीम जौन सी है, इसमें प्याफ में मेजॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, 6 प्रेसिडेंट हैं, और फिर मियां शफकत साहब जिनके साथ हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था वो इस प्याफ में जिसमें हैं उसी का हम हिस्सा हैं। कुछ जो कैंडिडेट जो फाउंडर की तरफ से आप लोगों ने अनाउंस किए थे वो वही रहेंगे कि चेंज होंगे? नहीं, अभी हमने अनाउंस नहीं किए क्योंकि हमारे तो जो फाउंडर्स की एक रवायत है कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनमें कमेटी बनती है जिसको हेड करते हैं शेख आसिफ साहब एसोसिएट क्लास को, और बासिर साहब कर रहे हैं कॉर्पोरेट क्लास को। तो इसके लिए मीटिंग होगी और वो प्रपोज़ल हमारे पास आए हुए हैं, प्रपोज़ल तो वैसे ही हैं मगर फाइनल होंगे, हमारी मीटिंग होगी कमेटी की, उसमें फ़ाइनल होंगे। देखिए नहीं, हमारे जो फाउंडर की एक अपनी जो है लेगेसी है और इसकी अपनी जो है एक अपनी अहमियत है, उसके मुताबिक ये जो हमारे फाउंडर जो हमारे जो बड़ों का फैसला है, हम अपने फैसले के साथ उन्हीं के साथ चलने वाली हमारी एक टीम है। हम अपने बड़ों के फैसलों पे, जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने जो फैसले किए, जो फाउंडर ग्रुप के जो कायदीन उन्होंने फैसला किया, दैट इज़ द सिंपल, कि ये वही है। दरअसल ये एक तजदीद हुई है प्याफ में, थोड़ा सा कुछ दोस्त उनके नाराज़ हो गए थे और सारा, लेकिन हम जो रियल प्याफ थी जिसको साइन किया हुआ मियां शफकत साहब ने, फाउंडर ने, उसी के साथ कंटिन्यू किया है। जो क्योंकि ये अब 2 साल का टेन्योर चल रहा था, इसको बीच में नहीं छेड़ा जा सकता था, इसलिए जो हालात थे उनके मुताबिक चलते रहे हैं। अब आगे क्योंकि नया इलेक्शन है इसलिए रियल असाइनमेंट्स, री एलोकेशंस होनी थी, नया इलेक्शन है, नए बंदों ने आना है, इसलिए इसको ज़रा समझ लें कि तजदीद की गई है। ये नया अलाइंस नहीं है, वही 20-25 साल पुराने ही दोस्त, वही साथी, वही आपने देखा है यहाँ माहौल, कोई एक दूसरे के साथ नया लग रहा है, कोई बातचीत नहीं है, वो पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, सिर्फ एक उनको रिफ्रेश किया गया ताकि आने वाले वक्त में थोड़ी आसानी और बेहतरी के साथ मार्केटों में जाया जा सके। ये इत्तेहाद हुआ है जी, फर्स्ट क्लास हो गया है और जो दूरियां थी वो नज़दीकियाँ हो गई है, अभी क्लोज हो गया है, इंशाल्लाह ये विन करेंगे। देखिए गुजारिश ये है कि प्याफ फाउंडर लाइन जैसे मियां मिसबा साहब हमारे फाउंडर के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी वो ही हमारा 25 साल से जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक चल रही है। जहाँ तक ताल्लुक रहा कि कुछ आगे कुछ चले गए, ये तो सियासत का एक हिस्सा है।